मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। आपने हिंदी का ये यज्ञ यहाँ रखा, इसमें आप सबने कवियों ने जो अपनी आहुतियाँ दी कविताओं के माध्यम से और आपने सुगंध को ग्रहण किया, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपको एक आध छंद और एक कविता सुना देता हूँ, क्योंकि समय की मैं जानता हूँ ये सीमाएँ हैं, और इतनी देर आपने सुन लिया ये बहुत बड़ी बात है। शायद पहली बार आप ये अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, अगली बार पता नहीं आप कराएं भी कि नहीं कराएं, ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि मेरे ख्याल से आप कराएंगे। जिस उत्साह से आपने सुना है और जिस मस्ती से आप सुन रहे हैं, लगता है अगली बार होगा और अच्छे बड़े स्तर पर होगा, लेकिन कभी यही होंगे। ऐसा किया तो वहाँ बैठ के वोटिंग शुरू कर देंगे। बहुत से चतुर्वेदी तुम्हारे बहुत पुराने श्रोता क्या मित्र रहे हैं, मुझे लगता है कविता भी लिखते जरूर होंगे, जैसे ही लगता है ना ये बिगड़े हुए ये भी लग रहे हैं मुझे, सब कह रहे थे ना मुझे बड़ा शौक है। जिसको शौक होता है वो कुछ ना कुछ करता जरूर है, दो चार प्रेम प्रेम के शेर वेर इन्होंने पहले होंगे। चतुर्वेदी सच कह रहा हूँ ना, सच बता दो। हाँ हाँ, मुस्कुरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, लजा रहे हैं, कुछ ना कुछ है। चतुर्वेदी बहुत अच्छे हैं, इनके इनके स्वागत में बार ताली बजा दीजिए। नाम ही ऐसा है भाई, चारों वेदों का जो ज्ञाता हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ये देखिए सबसे बड़ी बात, दो छंद से शुरू करके कविता सुनाता हूँ। ये देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े मन से सुन रहे हैं। कई बार हम ऐसे मनहूस लोगों में फंस जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। आप तो अशोक ने पहले ऐसा वातावरण बनाया था, ताली दे ताली दे ताली, आप पीटे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कवियों को पीटे जा रहे हैं, आप ताली बजाई आप। तो कई जगह ऐसे होते हैं चतुर्वेदी, सामने ऐसे लोग बैठ जाते हैं, बड़े मनुष्य लोग, ठस लोग, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं करते। अब हाशिष की कवि भी की कविता में कोई नहीं हंसेगा तो क्या करेगा, वो तो आत्महत्या कर लेगा। वो सामने देखता है वो बैठा है, फिर पीछे देखता है किसकी तरफ देखूँ ना, लेकिन उसके पैका बंदर घुस गया भीतर, घूम फिर कर नजर उसकी तरफ और वैसे का वैसा, कभी का पढ़ना मुश्किल हो जाता। कई जगह ऐसा होता था, ऐसे श्रोताओं के लिए मैंने एक छंद लिखा देते हैं। अरे हिलते न डुलते हो, रोते हो न हंसते हो, ऐसे श्रोताओं के लिए, उस श्रोता को ही संबोधित कर रहा हूँ जो ऐसे श्रोता को मौत हो। के हिलते न डुलते हो, रोते हो न हंसते हो, अभी चल ठूठ जैसे ठस बैठे हुए हो। हिलते न डुलते हो, रोते हो न हंसते हो, अभी चल ठूठ जैसे ठस बैठे हुए हो। कावेर से पाने आए थे कि हाजिरी लगाने, बड़े लोग अक्सर हाजिरी लगाने आते हैं चले जाते, के कावेर से पाने आए थे कि हाजिरी लगाने, बैठने आए थे आके बस बैठे हुए हो, बैठने आए थे आके बस बैठे हुए हो। किसी भी कवि की कविता में रस नहीं मिला, किसी भी कवि की कविता में रस नहीं मिला, मारोगे इन्हें क्या मुट्ठी कस बैठे हुए। किसी भी कवि की कविता में रस नहीं मिला, मारोगे इन्हें क्या मुट्ठी कस बैठे हुए हो। खुद नहीं उठता कि खुद नहीं उठते कि उठा नहीं जा रहा है, सोफा धस गया ऐसे धस बैठे हुए हो, सोफा धस गया। तो लेकिन यहाँ ऐसे श्रोता नहीं है, बहुत ही अच्छे प्रफुल्लित श्रोता है, बड़ा अच्छा लगता है, मस्ती से आप सुन रहे हैं। दो छंद सुनाकर मैं कविता पढ़ देता हूँ समय को देखते हुए। अभी पाश्चात्य सभ्यता की बड़ी बात हुई, अशोक ने एक अच्छी बात की, उसका जो जो श्रेष्ठ है वो हम ले लें और जो उसका कूड़ा कचरा है वो हम छोड़ दें, वेस्ट छोड़ दें, बेस्ट ले लें, अच्छी बात थी वो। मतलब जो अच्छा कहीं से भी सीखा जा सकता है, तो वो उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच में हो वाली बात है, तो परवा पावन टोर में कंचन तजन को, उत्तम विद्या कहीं से भी हो ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, चाहे जहाँ से मिले। तो लेकिन आजकल पाश्चात्य सभ्यता ज़्यादा ही जब असर करती है बड़ा दिक्कत हो जाती है। आजकल आप जानते हैं हमारे त्यौहार हैं बहुत से, लेकिन आजकल पश्चिम की उससे नए त्यौहार पैदा हो गए हैं। त्यौहार ठीक ठाक हो तो ठीक बात है, कुछ लोग बड़े भी अजीब कुछ त्यौहार हैं, वो फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रन डे, को बड़ा विचित्र त्यौहार है वैलेंटाइन डे। नई पीढ़ी हमारी आजकल बहुत प्रभावित है उससे, अभी 5-7 साल से आया, इससे पहले कोई नाम तक नहीं जानता था क्या भला है ये, लेकिन अब ये कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूलों पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही प्रभावित, उस दिन बड़ा हंगामा कर देते हैं बच्चे, मेरे पोते बहुत ही परेशान हुए घूम रहे 3 साल पहले, मेरा मैंने क्या बात है बाबा आपको बताने वैलेंटाइन डे है,
मैंने कहा है क्या, मुझे पता ही नहीं था। बोले हमको भी नहीं पता, जानता कोई नहीं, आप मुझे बहुत से लोग जानते हो। किसने को कहा, एक संत का मैंने एक अखबार पढ़ा कि संत ने शुरू किया था। वो क्यों किया था भाई, इसलिए तो नहीं किया जिससे आजाद हो रहा है। संत तब तो ऐसे नहीं थे चाहे किसी भी देश के हों कि अल्लाह बुल्ला करेंगे, गुपचुप करें कनाट फेस में जाके। संत ने ये तो नहीं कहा था कि एक गुलाब का फूल 200-200 रुपये में दे देने एक दूसरे को। तो बाद में मैं परेशान क्यों हूँ, बाद में मुझे पता चला कि परेशान इसलिए होती है पीढ़ी बच्चे के अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को क्या तोहफा दें इससे बावला हो जाए वो। यार ये क्या परेशानी है, मैं अपनी पोती की भावना समझ गया। मैं उससे बोला ऐसा है बेटा, तेरा कोई दोस्त है उसको तू पेंसिल दे दे, हैं पेन दे दे, घड़ी दे दे, सोने की चेन दे दे। बोले बाबा ये तो हम बर्थडे पे देते हैं लोग, कोई ऐसा तोहफा चाहिए साल भर तक नहीं भूले, अरे साड़े के थप्पड़ मार दे। अरे तो त्योहार की मुसीबत है। अरे हाँ क्या कह रहा है। तो ये देखिए तो ऐसे अजीब त्योहार तो कभी सुना ही नहीं था। तो हम तो गांव के रहने वाले चिड़िया चिड़िया को देखते थे, उनका जोड़ा देखते थे। आज भी सामने पेड़ है पार्क में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ चिड़िया चिड़िया का जोड़ा बैठ जाता है। रोज तो कोई सुन होते नहीं, और दिन में तो होते ही नहीं, रात को ही होते हैं। दिन में क्या करूँ पड़ा पड़ा, तो उनको देख के उनकी क्रियाकलाप देखता रहता हूँ। तो अरे मैंने कहा असली वैलेंटाइन डे ये मनाते हैं कि पीढ़ी तो बेवकूफ़ है। सच्ची देखें आप, ध्वनि देखें, इसमें व्यंग देखें आप, ऐसी वैसी बात नहीं है इसमें जैसे वैलेंटाइन डे में। आप देखेंगे मानेंगे कि वाकई मनाते हैं। के पाश्चात्य सभ्यता की नग्नता में मग्न है जो खिल्ली उनकी उड़ाते हैं ये चीड़े चीड़िया, कभी तो किवाड़ कभी खिड़की पे बैठ कर प्रेम भरे गीत गाते हैं ये चीड़े चीड़िया, प्रेम भरे गीत गाते हैं ये चीड़े चीड़िया। आई लव माई लव ची 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 चू 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 चू। पक्षियों की भाषा है। आई लव माई लव ची 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 चू 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 चू, चुम्मा चुम्मी जय चाहते हैं ये चीड़े चीड़िया। तुम साल में मनाते एक दिन, प्रतिदिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं ये चीड़े चीड़िया। वैलेंटाइन डे मन एक और है, एक अंग्रेजी का शब्द फ्रेंच बात, इसका अर्थ है निर्वस्त होकर स्नान करना, नग्न होकर नहाना। हमारी सभ्यता में वर्जित को आदमी नहाता हुआ नहीं मिलेगा, चाहे किसी तालाब में नदी पर नहा रहा हो देखने वाला ना हो, लेकिन संकोची इतने हैं कि हम लोग वस्त्र लपेट कर नहाए। हम तो अपने बाथरूम में भी कपड़ा लपेट कर नहाते हैं, शर्म सी आती है वो बिना कपड़े के नहाने। लेकिन आजकल दिल्ली में ही मुझे पता है कुछ पुरुष वर्ग सामूहिक रूप से कुछ 5-star होटलों में निर्वस्त होकर स्नान करते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों करते हैं भाई, एडवांस हो गए बहुत, एडवांस हो गए नंगे हो जाएंगे क्या। आज का एडवांस होने का मतलब यही है, जो इतना नंगा उतना एडवांस। फिल्मों में देख लीजिए आप पर्दे पर, जो इतनी नंगी उतनी प्रसिद्ध एडवांस। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो भारत के लोग बहुत पहले से एडवांस। मैं सिद्ध करता हूँ, सबको ध्यान में रखें आप, के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता था कभी मिलाने को, अब एक हाथ ले रहा हूँ मैं। धूल भरी पग डंडी पगों से भी छूट गई, चलने के लिए फुटपाथ ले रहा हूँ मैं। पूरब का सूरज न पूरब में डूब जाए, पश्चिम की सभ्यता को साथ ले रहा हूँ मैं। बचपन में नहाता था मैं नंगा बारिश में, मुझे क्या पता था फ्रेंच बाथ ले रहा हूँ। आरती आपको सुना देता हूँ, अंत में आरती काम आती है। देखिए एक हम भगवान की एक बड़ी 3-4 मिनट की कविता रही, कटु यथार्थ है ये बताऊ। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, और भगवान से कोई हजारों में लाखों में एक आध आदमी साहब ऐसा होगा जो शुद्ध मन से कहा कि ईश्वर तेरी भक्ति के तेरी कुछ नहीं चाहिए। घूम फिर कर लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, कोई कहता मेरी नौकरी लग जाए, कोई कहती मेरी नौकरी में पदोन्नति हो जाए, कोई कहता मेरे लड़का नहीं लड़का दे दे। भगवान इन कामों के लिए बैठा है क्या, लड़का देने के लिए बैठा है, लड़का देगा भगवान को, कहता धन नहीं है धन दे दे। यानी कुछ ना कुछ लोग मांगते हैं, कुछ ना कुछ लोग वो ये पार्थिव चीजें मांगते हैं। कोई लाखों में एकाद आदमी ऐसा हुआ तो मुझे पूरी भक्ति दे दे, उसमें से भी 100 में से 99 लोग तो ये कहेंगे ईश्वर तू मुझे पैसा दे दे फिर मैं सबको देख लूंगा।
पैसे से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई भगवान नहीं है, पैसा हमेशा से हावी रहा है। आज भी जिसके आदमी के पास पैसा है वो कितना ही बेईमान हो, दो कौड़ी का हो, कुकर्मी हो, उसके द्वार पर भीड़ लगी रहेगी। कि आदमी गरीब है, कितना ही ईमानदार हो, कितना ही कृतज्ञ हो, लेकिन उसके पास कोई झांकेगा नहीं, देखने नहीं जाएगा। ये पैसे की महिमा है। सर्वे गुणा कांचन माश्रियंते, सब गुण सोने में निवास करते हैं, धन में निवास। तो वही आरती जो अपने घरों में रोज गाते, मैंने शब्दों में हेर फेर कर दिया, भगवान को धोखा ना दिया, मैंने 1000 का नोट ही सामने रखा। मैंने जिसको लेना डायरेक्ट उसी से बात करो ना, उसी को भगवान मान लिया, तू ही भगवान है, तो तेरे से ही मांग रहा हूँ भाई, भगवानों का को मैं धोखा दूँ? जो और चीज़ें बड़ी चीज़ें देने के लिए, आत्मा की शांति देने के लिए, तो मैं नोट को देवता मानकर आरती रोली तिलक चंदन चढ़ाकर उसकी आरती कर रहा हूँ। आरती वही है, मैंने शब्दों में हेर फेर किया, जहाँ आपको अच्छा लगे ठीक मैंने किया है काम, शब्दों में फिर वहाँ ताली वाली बता देना, मैं सीधी ताली कह रहा हूँ। आशीर्वाद आशीर्वाद तो मुझे देने वाला कोई होगा ही नहीं, मैं ही दे सकता हूँ आपको, सीधी दे सकता हूँ आपको। ओम जय श्री नोट हरे, स्वामी जय श्री नोट हरे, दुष्ट जनों के संकट, कुटिल जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय श्री नोट हरे, जो जोड़े सुख पावे खर्चे सो रोवे, जो जोड़े सुख पावे खर्चे सो रोवे, स्वामी बरते सो रोवे, प्रभु जन्म जन्म रोवे, फूल खिले उसके घर, गंध मिले उसके घर, जो कांटे बोवे। ओम जय श्री नोट हरे, मात पिता तुम मेरे, तुम मेरे दादा, स्वामी दादा के दादा, प्रभु उनके परदादा, माद विदा तुम मेरे, तुम मेरे दादा, स्वामी दादा के दादा, प्रभु उनके पर दादा, तुम पंडित तुम पूजा, तुम बिन और न दूजा, तुम कुल मर्यादा। ओम जय श्री लोट हरे, तुम चोरों के चाचा, मतलब के भाई, स्वामी स्वार्थ के साई, प्रभु तुम अति हर जारी, तुम गुंडे तुम डंडे, तुम तीरथ के पंडे, तुम ठग अन्यायी। ओम जय श्री नोट हरे, तुम मूढ़ों के पालक, गुणियों के हंता, स्वामी तुम दुर्गुण जनता, प्रभु लक्ष्मी के कंता, तुम दुष्कर्म प्रचारक, तुम पतितों के तारक, तुम अति बलवंता। ओम जय श्री नोट हरे, तुम पूरण पाखंडी, तुम मथुरा काशी, स्वामी नित नित अभिलाषी, प्रभु बैंकों के वासी। ताली कहने से ही बताते तो कहना पड़ेगा कि तुम पूरण पाखंडी, तुम मथुरा काशी, स्वामी नित नित अभिलाषी, प्रभु बैंकों के वासी। तुम द्वापर तुम त्रेता, तुम कलयुग के नेता, तुम सत्यानाशी। ओम जय श्री लोट हरे, तुम द्वापर तुम त्रेता, तुम कलयुग के नेता, तुम सत्यानाशी। ओम जय श्री नोट हरे, विषय विकार बढ़ाओ ज्ञान हरो देवा। आप जानते हैं पैसा चतुर्वेदी जरूर से आएगा तो यही काम करेगा, अधिक पैसा आएगा तो आदमी के साथ यही होगा कि विषय विकार बढ़ाओ ज्ञान हरो देवा, स्वामी ध्यान हरो देवा, सम्मान करो देवा, पूजा करूं खलों की, पूजा करूं गधों की, उल्लू की सेवा। ओम जय श्री लोट हरे, नोट देव जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु
को प्रेम रहित गावे, स्वामी स्वार्थ सहित गावे। कहत खलानंद स्वामी, बनत छलानंद स्वामी, लखपति हो जावे। ओम जय श्री नो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।